हेलो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में मैं आपको के के फंक्शंस बारे में बताऊंगी अगर आपने मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने एंटरप्रन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया नहीं देखा तो प्लीज जाके उसे देखिए ओके okay? तो चलते हैं जानते हैं एंटरप्रन्य के क्या क्या फंक्शन है एंटरप्र्यूर के चार मेन फंक्शन है फर्स्ट है एंटरप्र्योरियल फंक्शंस, सेकेंड इज मैनेजेरियल फंक्शंस थर्ड इज प्रोमोशनल फंक्शंस फोर्थ इज कमर्शियल फंक्शन ओके हम सभी फंक्शन को वन बाई वन डिटेल में पढ़ेंगे ओके एंटरप्रिनोरियल फंक्शंस जिसमें दो मेन फंक्शंस इंक्लूड है रिस्क बियरिंग एंड इनोवेशन रिस्क एक अनसर्टिन एक्टिविटी और सिचुएशन है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है मीन्स प्रॉफ़िट भी हो सकती है लॉस भी हो सकती है रिस्क बियरिंग मीन्स जोखिम को उठाना जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर नुकसान हुआ तो उस नुकसान को बियर करना बिजनेस को रन कराने वक्त बहुत सारे रिस्क आते हैं ओके okay? जैसे रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फ्लड फायर और थेफ्ट और इंजरीज टू एम्प्लॉयज़ ये ऐसे रिस्क हैं जिनके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस ले सकते हैं ओके okay, आप देख रहे हो कॉलिजन रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, थेफ्ट ऑफ मटेरियल, डैमेज गुड्स ये ऐसे रिस्क हैं जिनके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस ले सकते हैं बट ऐसे भी रिस्क होते हैं जिनके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव रिस्क फाइनेंशियल रिस्क इन्फ्लेशन रिस्क मार्केट रिस्क ये ऐसे रिस्क हैं ओके okay? आपको मैं आपको एग्जाम्पल दे समझाती हूँ जैसे आप अंबानी के बारे में आप जानते ही होंगे उन्होंने 2016 में जियो सिम लोगों को उपलब्ध कराकर फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जिसके लिए उन्हें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा ताकि वो लोगों को इंटरनेट की आदत लगा सकें यह काफ़ी रिस्की था उन्होंने इस रिस्क को बियर किया और आज जियो लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है इंडिया में यह इंडिया में ही नहीं ये वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट जियो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर हैं ओके आप टाटा टी के बारे में जानते ही होंगे और आशा करते हैं आप इस प्रोडक्ट को यूज़ भी करते होंगे टाटा जब इस प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे थे तो उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थीं और रिस्क थे और इन्होंने इस रिस्क को बियर किया और आज टाटा टी इंडिया का लार्जेस्ट पैक टी ब्रांड है ओके okay, रिस्क बहुत तरह की होती हैं और रिस्क के कारण प्रॉफिट भी हो सकती हैं लॉस भी हो सकती हैं क्योंकि एक अनसर्टेन एक्टिविटी है और अंटरप्रन्य इस रिस्क को बियर करते हैं ओके okay, रिस्क जिसके कारण उन्हें रिस्क टेकर भी कहा जाता है सेकंड इज़ इनोवेशन इनोवेशन को जानने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या अंतर है इनोवेशन में हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नए चीज़ को ऐड करके हम मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाते हैं बट इन्वेंशन में हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होती है मीन्स मीन्स उस न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके बारे में पहले से किसी को कुछ नॉलेज नहीं होती है ओके okay? जैसे आप एप्पल के बारे में जानते ही होंगे एप्पल अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम इनोवेशन करते रहते हैं क्योंकि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है तो इनोवेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जैसे आप एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे और यूज़ भी करते होंगे जैसे एप्पल का आईफोन है आईपैड है ये एप्पल अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम कस्टमर के नीड उनके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं ओके सो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट इज मैनेजरियल फंक्शंस इसमें पाँच फंक्शंस आते हैं फर्स्ट इज़ प्लानिंग प्लानिंग एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है मीन्स ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है जिसमें अंटरप्रनीर ये डिसाइड करते हैं कि वॉट इज़ टू बी डन हाउ इज़ टू बी डन वेयर इज़ टू बी डन एंड वेर इज़ टू बी डन मीन्स कैसे करना है कहाँ करना है किस तरीके से करना है और किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लाना है ये पहले से ही वो प्लान करते हैं और किस तरीके से इस प्री डिटरमाइंड प्लान को इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराना ये अंटरप्रन्योर प्लान करते हैं डिसाइड करते हैं ओके okay? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग जो भी एंटरप्रेन्योर प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं मीन्स ऑर्गेनाइजिंग में प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है अगर आप प्लान बना रहे हो और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो वो वेस्ट हो जाएगा ओके सो ऑर्गेनाइजिंग में हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग स्टाफिंग में एंटरप्रेन्योर ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करते हैं मीन्स ये फाइंड आउट करते हैं कि इंटरप्राइज़ में कितने इम्प्लॉइज़ की आवश्यकता है कितने इम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं और कितने इम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है ओके नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट हैं सुपरविज़न मोटिवेशन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग में अंटरप्र्योर इम्प्लॉइज़ को टीच करते हैं गाइड करते हैं सुपरवाइज़ करते हैं मोटिवेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि किस तरीके से वर्क को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंट वे में किया जाए ताकि ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकें ओके okay. नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन एंड इट इज द मोस्ट important फंक्शन जिसमें entrepreneur ये देखते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं अगर प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं ओके नेक्स्ट वन इज प्रमोशनल फंक्शंस जिसमें फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ बिजनेस आइडियाज एवरी इंटर अंटरप्रनोर वांट टू स्टार्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट हर एक अंटरप्रनीर चाहते हैं कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे जिसमें प्रॉफिट होने की चांसेस ज़्यादा है ओके okay, इसके लिए वो अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस और रिलेटिव और फ्रेंड की मदद से उन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं मीन्स उन बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट करते हैं जिसमें प्रॉफिट होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं ओके okay? आफ्टर आइडेंटि एंड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस आइडिया नेक्स्ट फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिजनेस प्लान इज लाइक ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट ओके एक ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट है बिजनेस प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंटरप्रन्योर इसके द्वारा अपने इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करते हैं इफेक्टिव एंड स्मूथ मैनर में ओके सो बिजनेस प्लान इज वेरी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी इंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए फंड का पैसे का आना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत ही आवश्यक है और इसकी रिक्वायरमेंट अंटरप्रन्योर करते हैं कितना इक्विटी शेयर से इशू किया जाए कितना प्रेफरेंस शेयर से इशू किया जाए कितना डेप्ट लिया जाए ये हर चीज़ अंटरप्रन्य डिसाइड करते हैं ओके okay? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है नेक्स्ट इज कमर्शियल फंक्शंस जिसमें फर्स्ट है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन जब बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है तो नेक्स्ट फंक्शन आता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना इसके लिए एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करते हैं कि, कि किस तरीक़ा का प्रोडक्ट किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है इसके लिए वो कस्टमर के नीड को उनके प्रेफरेंसेस को फॉरकास्ट करते हैं प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन होना चाहिए फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश होना चाहिए किस तरीके का लेआउट होना चाहिए सब ये सब चीज़ डिजाइन ये डिसाइड करते हैं अनटरपन्योर ओके नेक्स्ट वन इज मार्केट मार्केटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक अवेलेबल मीन्स ट्रांसफ़र कराया जाता है ओके okay? सेलिंग डिफरेंट है मार्केटिंग से सेलिंग का मेन पर्पस है कैश को अर्न करना लेकिन मार्केटिंग पूरा कस्टमर पे कंसंट्रेटेड होता है मीन्स कस्टमर के नीड को फुलफिल उनके डिमांड को फुलफिल करने की शिद्दत में ये मार्केटिंग रहते हैं ओके मार्केटिंग पूरा कस्टमर पे ही फोकस होता है नेक्स्ट इज अकाउंटिंग हर एक इंटरप्राइज प्रॉफिट चाहते हैं और अकाउंटिंग के थ्रू ये जानते हैं कि क्या बिजनेस प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस मीन्स अकाउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसके तहत इंटरप्राइज या कोई भी इन्वेस्टर बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं ओके सो अकाउंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ओके आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब